गुड आफ्टरनून एवरी वन तो आज का रिविजन का टॉपिक है कॉनिक सेक्शन तो पहले हम पैरा बोला करेंगे फिर इलेप्स हाइपर बोला के करेंगे तो पैरा में हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैरा तो पैरा की डेफिनेशन में आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स है एक मतलब फिक्स्ड लाइन है और एक पॉइंट है जिसे कहते हैं फोकस एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पी एस अपॉन पीएम वन के बराबर होता है दैट इज पीएस इक्वल टू पी एम होता है इन केस ऑफ पैराबोला अब हम ध्यान रखेंगे मैं नहीं करा रहा हूं। आपको याद रखना है डायरेक्टली एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स और एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स यहां पर मैंने कंसिडर किया एज पॉजिटिव नंबर ये दो पैराबोला का हम पहले समझते हैं और याद करते हैं ठीक है याद करना बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले आप याद करिए इन सब चीजों को कि ये क्या फोकस है क्या डायरेक्ट्रिक्स है क्या वगैरह ये वर्टेक्स हो गया ऑरिजिन डायरेक्ट्रिक्स है एक्सक्ल टू माइनस ए फोकस है ए कॉमा जीरो ठीक है इसका लेटस रेक्टम लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट होते हैं एंड पॉइंट एंड पॉइंट होते हैं ए प्लस माइनस टू ए और लेंथ होती है फोर ए ठीक है जनरल पॉइंट यदि आपको लेना है तो जनरल पॉइंट होता है ए टी कॉमा टू ए टी अब इसमें बेटा इसमें क्या होता है इसमें जो एक्स है वहां पे एक्स जगह क्या कर दो बस एक्स जगह देखो इसमें इसमें फर्क क्या है इसमें इसमें, इसमें फर्क क्या है सिंपल एक्स जगह माइनस एक्स कर दोगे तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सारी चीजें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली तो ये फोकस होगा माइनस देखो एक्स कोऑर्डिनेट को आप नेगेटिव कर देना है यहां पर एक्स जगह माइनस एक्स करेंगे तो जाएगा X A. ठीक है लेटस्ट रेक्टम रेक्टम के एंड पॉइंट होते हैं माइनस ए प्लस माइनस टू ए एक्स क्वारट की जगह माइनस एक्स कॉर्डिनेट कर दिया लेंथ होती है फोर ए जनरल पॉइंट जनरल पॉइंट होता है एक्स जगह माइनस एक्स देखो जहां एक्स दिख रहा है ना वहां पे माइनस एक्स कर देना है। तो 80 कॉमा 280 हो गया समझ में आ गया ना तो आपको ये वाला याद रखना है, वाई फोर वाला याद रखना है। तो ये जो दूसरा वाई फोर कैसे आएगा सिंपल एक्स जगह माइनस एक्स करने से आ जाएगा आने, जो भी हम पढ़ेंगे ना आगे आने वाले कोई भी रिजल्ट सब में ऐसे ही करना है एक्स जगह माइनस एक्स कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ठीक है इसी तरह से आप देखो एक्स स्क्वल टू फोर ए वाई और फोर एर्टिकल पैराबोला तो बेटा इसमें क्या करना होता है इसमें इसमें फर्क ये है देखो इन दोनों में फर्क है दोनों पैराबोला में फर्क क्या है इन दोनों में इस पैराबोला और इस पैराबोला में फर्क क्या है इसमें फर्क ये है कि x जगह y y की जगह x कर दो अल्फा बीटा यदि कोई पॉइंट है तो अल्फा बीटा यदि बीटा अल्फा कर देना इंटरचेंज कर देना तो देखो इसमें जो इसका देखो फोकस क्या था ए कॉमा जीरो था तो इसमें फोकस जीरोक्वल टू माइनस ए तो इसमें हो जाएगी वाई इक्वल टू माइनस ए बाकी आपको यदि लेटेस्ट रेक्टम देखना है, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट होते हैं प्लस माइनस टू ए कॉमा ए जैसे इसमें क्या था ए कॉमा प्लस माइनस टू ए था इसमें हो गया प्लस माइनस ए प्लस माइनस टू ए कॉमा ए और लेंथ होती है फोर ए और जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा टू ए टी कॉमा ए टी स्क्वायर इसमें तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है ठीक है ना इसके भरोसे नहीं रहना है आपको कौन कौन से याद रखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला याद रखना है और राइट हैंड साइड वाले में ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ये डायरेक्टली याद रखो ठीक है ना और इसको ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है इसमें क्या करना है वाई की जगह बस माइनस वाई कर देना है पूरा आ जाएगा ओरिजिन ये हो जाएगा वाई इक्वल टू ए फोकस हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा प्लस माइनस टू ए कॉमा माइनस ए और लेंथ हो जाएगी फोर ए और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस एटी स्क्वायर आया बेटा समझ में तो हमको लेफ्ट हैंड साइड वाला याद रखना है राइट हैंड साइड वाला का ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है कि वो कैसे क्या कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड का यदि एक्स इक्वल टू फोर ए वाई वाई स्क्वायर टू फोर एक्स का याद रखना है हमको कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो कुछ भी है लेंथ वगैरह सब कुछ याद रखना है और राइट हैंड साइड में बस जो पैराबोला है उसमें बस वाई की जगह माइनस वाई कर देना है तो आ जाएगा राइट हैंड साइड वाले ठीक है अब समझिए आगे फोकल कॉर्ड फोकल कॉर्ड क्या होती है जो फोकस से पास हो एनी कॉर्ड व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस तो फोकस है a, 0 p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a t स्क्वायर, 2 a t या t1 अज्यूम कर लेते हैं 2 a t1 q को अज्यूम कर लेते हैं a t2 स्क्वायर, 2 a t2 तो बेटा इनमें रिलेशन क्या होता है सबसे पहली बात तो फोकल कॉर्ड और यदि है तो t1 t2 इक्वल टू होता है minus -1 पहला पहला रिजल्ट दूसरा रिजल्ट PQ की जो लेंथ होती है वो होती है ए इंटू टी वन माइनस टी टू का होल स्क्स पैरामीटर टी वन और टी टर्म में होती है ए टाइम टी वन माइनस टी टू का होल स्क्से इंपॉर्टेंट है ये यदि यदि आपको इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है तो इसकी लेंथ होती है फोर ए कौशिक स्क्वायर अल्फा फोर ए कौशिक स्क्वायर अल्फा ये होती है

ए भी ये वाला भी बहुत ज्यादा यूज होता रहता है ध्यान रखना कोई कोई भी कॉर्ड है कोई इंजनल कोई कॉर्ड है पी क्यू कोई भी कॉर्ड है ये 90 डिग्री सबटेंड कर रही है यदि फोकस में सेंटर में तो क्या होगा वर्टेक्स में यदि 90 डिग्री बना रही है तो ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन है क्यू होगा ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू तो स्लोप का देखो एम वन एम टू माइनस वन होगी कि नहीं होगी ये एम वन है ये एम टू है तो ये हो जाएगा टू ए टी वन माइनस जीरो अपॉन ए टी वन स्क्स जीरो टू माइनस वन इससे आ गया टी वन टी टू होगा माइनस फोर सो इफ एनी कॉर्ड राइट एंगल एट दी वर्टेक्स देन टी वन टी टू होगा माइनस फोर कोई भी पॉइंट आपको एज्यूम करना पड़े तो आप हमेशा ध्यान रखिए हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म में ही एज्यूम करेंगे पॉइंट और आगे देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस यदि पैरा बोला की इक्वेशन में आ जाती है फॉर एग्जाम्पल वर्टेक्स जैसे हॉरिजॉन्टल ये इसकी इक्वेशन देखो ये एक्स वन वाई वन है तो इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं इस तरह का हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वर्ड यदि ओपनिंग पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज्कवल टू माइनस फोर ए एक्स माइनस एक्स वन यदि वर्टिकल अपवर्ड है इसकी इक्वेशन हो जाएगी यदि वर्टेक्स (x1, y1) है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x- x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y- y1 और यदि वर्टिकल डाउनवर्ड है इस तरह से है पैराबोला और ये वर्टेक्स है (x1, y1) इसकी इक्वेशन हो जाती है x- x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a y- y1 तो यदि वर्टेक्स किसी पॉइंट पर एक्स वन वाई वन पर शिफ्टेड है तो उसके कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेस उसकी इक्वेशन में क्या चेंजेस होते हैं ध्यान रखना एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स वन वाई की जगह वाई माइनस वाई वन कर देना है अब हम आगे समझते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल तो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन यदि किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट जैसे है एक्स वन कॉमा वाई वन है इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो इसकी इक्वेशन होती है बेटा टी इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई इज टी इक्वल अब टी क्या होती है टी होता है बेटा एक्स की जगह एक्स एक्स कर दो वाई की जगह वाई वाई, वाई कर दो 2X है तो जगह लिख दो जैसे x1 2y है तो जगह लिख वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स तो इसमें टी इक्वल टू जीरो लगाओगे तो आ जाएगा वाई वाई वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स वन तो टीवल टू जीरो कब लगाना होता है जब हमको एक्स वन कॉमा वाई वन आपको पॉइंट मालूम है कि की लिखो X1, Y1. ठीक है? और यदि हम इसमें X1, Y1 की क्या लिख देते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म सबसे आसान यही है तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन देखो टू ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा टीवाई प्लस ए टी मैं ज्यादातर इसी का यूज करता हूँ बेटा यदि यदि कुछ हमको question में में है, तो 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 इसमें देखो, इसकी इसकी कितनी होगी? इसकी slope होगी by t. So we can say t कितना होगा होगा ना? तो value put कर देते तो y equal to mx plus a by m आ जाएगी। तो यदि में आपको स्लोप रिलेटेड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से कुछ गिवेन है तो स्लोप फॉर्म लगाओ अदरवाइज आप पैरामेट्रिक फॉर्म लगाओ और यदि आपको एक्स वन वाई वन पॉइंट आपको गिवे ना क्वेश्चन में तो फिर आपको लगा देना है फर्स्ट फॉर्म टी इक्वल टू जीरो से और वाई स्क्वायर इक्वल टू यदि माइनस फोर से पैरा बोला तो इसमें टी इक्वल टू जीरो लगाओगे तो बस ये आ जाएगा वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन और इसमें यदि हम एक्स वन वाई वन की जगह माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी पुट करते हैं तो ये हो जाएगा वाई टू ए टी माइनस टू एक्स माइनस ए टी स्क्स प्लस ए टी है मतलब आपको क्या करना होता है सिंपल एक्स एक्स की जगह क्या कर देना है माइनस एक्स कर देना है देखो यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले एक्स जगह क्या करना है तो माइनस एक्स कर देना होता है इसमें वही चीज इसमें देखो एक्स जगह क्या कर देना है तो माइनस एक्स इसलिए ये याद करना भी आसान हो जाती है पैरामेट्रिक फॉर्म और आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना भी, में भी आसान रहेगी अच्छा इसकी स्लोप देखो तो स्लोप होगी माइनस वन टी एक्स प्लस होगी तो आप एम एज्यूम कर लो माइनस वन बाई टी को तो टी हो गया माइनस वन बाई एम तो पुट कर दो तो वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम वाईल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम ये होती है स्लोप फॉर्म तो आपको बेटा ये दोनों ही याद रखनी है मैं ज्यादातर तो बेटा रिकमेंड करूँगा कि आप इसी का यूज करिए पैरामीटर फॉर्म का याद करना भी सिंपल है अप्लाई करना भी सिंपल है यदि आपको स्लोप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में कुछ गिवन है कि स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इज गिवन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए टेंजेंट इज गिवन या आपको निकालना है तो फिर आप यूज करिए स्लोप फॉर्म अदरवाइज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है या कुछ और कुछ भी निकालना है तो आप हमेशा यूज करें करिए पैरामेट्रिक फॉर्म ठीक है तो आप यदि ये फर्स्ट वाली यदि आपको ये वाली याद रहेगी लेफ्ट हैंड साइड की वा टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ई टी स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड वाली क्या है सिंपल एक्स जगह माइनस एक्स कर देना तो वा टी वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस स्क्वायर है ठीक है बेटा इक्वेशन याद कर लिया आप लोगों ने अब देखिए वर्टिकल वाला यदि आ जाता है X y आ गया और दूसरा X y आ गया तो यदि हमको लिखना है टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन तो t इक्वल टू जीरो लगा देंगे तो आ जाएगा एक्स एक्स वन इज इक्वल टू टू ए वाई प्लस वाई वन दूसरा यदि हमने एक्स वन वाई वन की जगह क्या कर दें? लगा दें, तो ये मेट्रिक फॉर्म लगा सॉरी कोमा एक्वाजल टू टू वाई प्लस ए टी कट हो गया तो यार्लस ए टी स्क्वायर ज्यादातर मैं इसी का यूज करता हूँ इससे एडवांटेज क्या है यदि आपको टी आ जाएगा तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आ जाएगा किस पॉइंट पर वो टेंजेंट है स्लो फॉर्म लगा देते हैं तो आज टी एक्स माइनस ए टी स्क्स तो एम, एक्स ए एम तो स्लो फॉर्म देखो टेंजेंट एट एक्स वन कमा वाई वन लगाएंगे तो टी इक्वल टू जीरो तो आ जाएगा एक्स एक्स वन इज इक्वल टू माइनस टू ए वाई प्लस वाई वन और फिर इसमें हम एक्स वन वाई वन की जगह पुट करते हैं यदि क्या स्क्वायर पुट करते हैं, तो क्या आता है देखो तो टू ए कट हो गया तो रहा है, है, स्क्वायर आ रहा है। और फिर इसमें वाई की वैल्यू निकाले तो आएगी माइनस टी एक्स प्लस ए टी स्क्वाट इज इसमें स्लोप है माइनस टी तो इसमें आता है वाई टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर आती है

पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन जैसे वाई स्क्वायर इकल टू फोर एक्स में होती है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्सर में क्या होगी टी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ए टी स्क्त एक्स वाई वाई की जगह एक्स कर देना है ठीक है यहां तक समझ में आ गया बेटा याद करते जाना है आपको मेमोराइज रिवीजन का मतलब है कि आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको मेमोराइज करते जाइए याद करते जाइए अदरवाइज सब रिवीजन बेकार हो जाएगा अब दूसरा देखिए नॉर्मल तो नॉर्मल देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है तो इसका नॉर्मल लिखना है एट एक्स वन कोमा वाई वन नॉर्मल मतलब तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करोगे आप सिंपल बेटा कैलकुलस वाला मेथड यूज करेंगे नॉर्मल एट सम पॉइंट लिखना लिखना है x1, y1 लिखना है लेट तो आपको क्या करना है इस तरह कोई क्वेश्चन आता है यूज कैलकुलस आपको रटना नहीं है इक्वेशन कैलकुलस का यूज करो डायरेक्टली तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा टू वाई वाई डेज इक्वल टू फोर ए

Always use calculus method. Differentiate करो, slope of tangent आ जाएगी एक्स वन वाई वन की लिख दो। अब इसमें parameter square, पुट कर देते हैं x1, y1 की जगह तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस टू एन टू एक्स माइनस ए टी ये कैंसिल हो गया तो वाई आ रहा है माइनस टी एक्स प्लस टू एटी प्लस एटी क्यूब आपको ये याद रखना है बेटा पैरामीटर फॉर्म तो आपको याद ही करना है सभी का याद करना है मैंडेटरी है याद करना तो आपको यदि कोई क्वेश्चन आता है स्लोप से रिलेटेड जिसमें पॉइंट नहीं गेवे है नॉर्मल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट नहीं गेवे है एक्स वन वाई वन तो हमेशा आपको यूज करना है पैरामेट्रिक फॉर्म ठीक है नॉर्मल की इक्वेशन कभी एजुम करना पड़े तब भी हम फॉर्म फॉर्म में में करेंगे। अब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कब यूज होते है जब आपको एंगल ऑफ इनशन से रिलेटेड कुछ गिवेन हो लेकिन आप अल्टीमेटली याद रखिए पैरा फॉर्म ठीक है पैरा फॉर्म याद रहेगी बस उसमें आप समझिए यदि आपको वाई स्क्वायर अब मैं देखो पैरामेट्रिक फॉर्म से एडवांटेज क्या है आप देखो मैं चारों पैरा बोला एक साथ लिख देता हूँ इसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म हमने निकाली वाई टू माइनस टी एक्स प्लस टू एटी प्लस ए टी क्यूब निकाली इसकी क्या होगी सिंपल एक्स जगह माइनस एक्स कर दो वाई एक प्लस ए टी क्यूब होगी इसकी इसकी क्या होगी एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो तो इसकी आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू टी वाई प्लस टी वाई प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यूब आपको फटाक से याद हो एक याद रखो तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म में ध्यान रखो बाकी किसी फॉर्म में ये ए, ए, ये वाले जो सब्सटन जो बताए ये नहीं एप्लीकेबल हो जाते हैं लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको तुरंत के तुरंत ये अप्लाई करो तुरंत याद हो जाएंगे आपको आप एज्यूम करो कि आपको स्लोप से गिवेन है तो आप स्लोप रिलेटेड आप सेलोप से रिलेटेड थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो ना इसकी स्लोप क्या है माइनस टी तो टी कितना हो गया माइनस वा, एम वा, वा, वापस से पुट कर दो वाईकल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम की तो देखते ही आपने निकाल लिया इसकी स्लोप क्या है इसकी स्लोप है टी तो टी की वैल्यू पुट कर दो तो y इक्वल टू क्या एम एक्स प्लस टू ए एम प्लस ए एम क्यूब तो इतना तो आप खुद ही से निकाल सकते ना कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड आता है एग्जाम में आता है इसमें देखो तो y इक्वल टू क्या आएगा टी वाई आएगा टी वाई आएगा x माइनस टू ए टी माइनस ए टी क्यूब तो y कितना होगा वन बाई टी एक्स माइनस टू ए माइनस ए टी स्क्वायर तो स्लोप क्या होगी वन बाई टी तो टी कितना हो जाएगा वन बाई एम पुट कर दो इसी में तो इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए माइनस ए बाई एम स्क्वायर ठीक है और दूसरा वाला इसमें सेम चीज इसमें भी करो यदि आपको आता है क्वेश्चन में तो इसमें भी एग्जैक्टली exactly सेम वे से आप स्लो फॉर्म निकाल सकते हो लेकिन आपको पैरामीटर फॉर्म याद रखना आसान है स्लो फॉर्म सबकी अलग अलग है आप चाहो तो स्लो फॉर्म भी याद कर सकते हो लेकिन आपकी चॉइस है लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म मैंडेटरी आपको याद ही रखना है ठीक है बेटा आप और देखो नॉर्मल से रिलेटेड जो रिजल्ट है पहला किसी भी पॉइंट पॉइंट पर हमने नॉर्मल नॉर्मल बनाया पी पे वाला है क्यू कट कर रहा है यदि पी के कोऑर्डिनेट है क्वार एन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन इसके हैं ए टी टू स्क्वायर कॉमा टी ए टी टू ये है तो बेटा टी टू इज इक्वल टू होता है माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन ये रिजल्ट है P पॉइंट पॉइंट पे normal है, point पे नॉर्मल कट कर रहा है तो जो Q के कॉर्डिनेट कैसे निकालोगे पहले आप T2 निकाल लो फिर फिरनेट में कन्वर्ट कर दो ए टी टू ए टी टू स्कर को दूसरा ये एग्जाम में आ जाता है कि दो पॉइंट पर नॉर्मल बनाए और ये पैराबोला पे ही कट कर रहे हैं P पॉइंट पे नॉर्मल बनाया P और Q पे ये R पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसके है T1 है इसका T2 है इसका T3 है तो पहला रिजल्ट तो ये है कि T1 और T2 की वैल्यू टू होती है प्रोडक्ट ऑफ T1 T2 टी टू होता है दूसरा इन तीनों का सम T1 वन प्लस टी टू प्लस टी होता है जीरो तीसरा लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ये नॉर्मल कॉर्ड है इसकी लेंथ निकालनी जिसका एंगल ऑफ इंक्लेनेशन इज अल्फा तो पी क्यू नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ये होती है बेटा फोर ए स्क्वायर अल्फा इंटू सेक अल्फा हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड लिखाया था फोर ए स्क्वायर अल्फा यदि नॉर्मल कॉर्ड है तो इसकी लेंथ होती है फोर ए स्क्वायर अल्फा इंटू सेक अल्फा हमने पढ़ाई थी ना फोकल कॉर्ड की लेंथ फोर ए स्क्वायर अल्फा और यदि वो नॉर्मल कॉर्ड है कोई तो उसकी लेंथ होती है फोर ए कॉसिक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक अल्फा फोर्थ पॉइंट देखो बेटा तीन पॉइंट से हमने नॉर्मल बनाया तीन पॉइंट से नॉर्मल बनाया वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं नॉर्मल एट पी क्यू एंड आर आर कॉन्करेंट एट सम पॉइंट लेट से टी पॉइंट पे कॉन्करेंट हैं इसके कोऑर्डिनेट है ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन इसका है ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू इसका है ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए और इसके कोऑर्डिनेट है लेट से एक्स वन तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में तो ध्यान रखो सबसे पहले हम नॉर्मल को एज्यूम कर लेते हैं नॉर्मल ये है टू हम नॉर्मल को एज्यूम कर लेंगे क्यूब है और इसमें एक्स वन वाई वन हम सेटिस्फाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी एन टू ए माइनस एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो इसके तीन रूट आएंगे टी वन टी टू टी थ्री अब ती, इसके तीनों रूट रियल हैं मतलब थ्री डिस्टिंग नॉर्मल थ्री डिस्टिंक नॉर्मल कब ड्रॉ कर सकते हैं यदि ये तीनों के तीनों रूट रियल हैं तो इसके ध्यान रखो इसके तीन रूट होना चाहिए कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट एक्स वन कॉमा जीरो मतलब एक्स में कोई पॉइंट है उससे तीन डिस्टिंग नॉर्मल सकते हैं जब एक्स वन ग्रेटर कंडीशन याद रखना दूसरा पी क्यू आर का जो जो पी क्यू आर पॉइंट है इसे कहते हैं बेटा पी क्यू आर को कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट PQR को क्या कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट तो को नॉर्मल पॉइंट का जो सबसे पहले पूछते हैं सेंट्रॉयड और ट्राइंगल पी क्यू आर तो बेटा इनका सम निकाल लो तो आ जाएगा ए टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी थ्री स्क्वायर बाई थ्री कॉमा टू ए टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री बाई थ्री अब देखो बेटा यहाँ से देखोगे चेक करो इस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली इसमें देखो सम ऑफ रूट तो जीरो ही है ना इसमें देखो सम ऑफ रूट t1 प्लस t2 प्लस t3 क्योंकि कोसिन्ट टी स्क्वायर तो है ही नहीं तो t1 प्लस t ये जीरो होगा इस तरह से t1 t2 प्लस t2 t3 प तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ए बाई थ्री टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री कॉमा ये तो जीरो ही हो जाएगा और इसी तरह से ये जीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ रहा है ए बाई थ्री जीरो माइनस टू टाइम्स देखो प्रोडक्ट ये देखो प्रोडक्ट टू अपॉन ए माइनस टू एक्स वन माइनस फोर ए अपॉन थ्री कॉमा जीरो तो आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो सेंट्रॉइड ऑफ को नॉर्मल पॉइंट इज टू एक्स वन माइनस फोर ए अपॉन थ्री कॉमा जीरो नेक्स्ट पॉइंट है सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये एग्जाम में आ जाता है इसकी इक्वेशन होती है बेटा लेंथी डेरिवेशन इसका काफी लेंथी होता है तो वो आपको ये याद रखना है तो पहले आप सेंट्रोइड याद कर लो फिर मैं लिखाता हूं, तो इसको याद कर लो टू एक्स वन माइनस फोर ए अपॉन थ्री होता है ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए प्लस एक्स वन इंटू एक्स माइनस वाई वन अपॉन टू इंटू वाई जीरो एडवांस का क्वेश्चन में अभी आ चुका है एडवांस में भी आ चुका है डेरिवेशन काफी लेंथी है तो यू शुड रिमेम्बर दिस रिजल्ट यदि एग्जाम में आ गया तो डायरेक्टली अप्लाई करिए एक्स वन वाई वन कौन सा पॉइंट है जहां पर तीनों नॉर्मल पास होते हैं कॉन होते हैं एक्स वन वाई वन इज दी पॉइंट वेयर ऑल थ्री नॉर्मल पासिस थ्रू नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो बता देता हूं पहला देखो बेटा ये है पैरावला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स यदि हमने किसी पॉइंट पर नॉर्मल टेंजेंट uh, बनाई p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a t1 स्क्वायर 2a t1 q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a t2 स्क्वायर 2a t2 तो ये जो t पॉइंट होता है ये होता है बेटा gm am मतलब ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन तो t पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं a t1 t2 अंडर रूट होता ना अंडर रूट ए भी होता है ज्योमेट्रिक मीन तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो आ जाएगा ए टी वन टी टू और आर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो आ जाएगा ए टाइम्स टी वन प्लस टी टू इसको याद रखना है दूसरा यदि पी क्यू इफ पी क्यू एज ए फोकल कॉर्ड इफ पी क्यू एज ए फोकल कॉर्ड तो फोकल कॉर्ड में क्या होता है बेटा टी वन टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा मतलब जो टी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हो जाएंगे माइनस ए कॉमा ए टाइम टी वन प्लस टी टू ये पॉइंट है इसमें X के क्या? Minus A, इसका मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा टी लाइज ऑन directrix तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट बनाओगे तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी दैट विल बी द फोकल कॉर्ड या उल्टा कहे यदि पी क्यू विजे फोकल कॉर्ड देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विल लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स यदि पी क्यू फोकल कॉर्ड है तो इनका P और Q पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो कहां पे कट करेगी डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेगी वो भी किस 90 डिग्री पर और ये भी रिजल्ट है यदि ये फोकस से पास हो रही है A कॉमा जीरो से पास हो रही है तो ये ध्यान रखो ये जहां भी कट करेंगे ये इस तरह से ये यहां पे कट कर रही है तो ये डायरेक्टर्स पे कट करेंगे ठीक है बेटा दूसरा है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बहुत ही सिंपल है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है कि, कि किसी भी पॉइंट से कोई भी रे यदि कोई भी रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी टू एक्स इफ एनी रे पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरल टू एक्स एक्सेस और वाइस अवर्सा। इफ एनी रे इज पैरल इंटरसेक्ट दैराबुल मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्टर इट विल पास थ्रू फोकस तो वाइस वर्सा आपको याद रखना है

तो आप जल्दी से मैं इसको पेज पलटता पलट रहा हूँ आपको एक एक एक-एक मिनट में दो दो मिनट देता हूँ पेज में जो कुछ भी लिखा है इसको याद कर लीजिए और फिर उसके बाद में हम पैरा बोला के क्वेश्चन हम मैं आपको देता हूँ आप ट्राई करिएगा हाँ बेटा देखो बच्चों मैं प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन मार्क करता हूँ आप लोग ट्राई करिए देखिए आपसे प्यारा बोला क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके बाद हम चालू करेंगे इलिप्स बेटा आप लोग स्क्रीन शॉट लेते जाओ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव इन दोनों का स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से थ्री फोर फाइव इस पेज का ले लो स्क्रीन शॉट जल्दी से ले लिया बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है आगे देखते हैं ये दो बेटा थर्टीन एंड फोर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन एंड फोर्टीन इनको ठीक है अब हाँ ये है ये लाइन से बेटा क्वेश्चन है टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं आप इनको ट्राई करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका तो ये टेंजेंट के क्वेश्चन हो गए अब नॉर्मल से रिलेटेड हम देखते हैं प्रॉब्लम आगे नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम बेटा सिक्स सेवेंथ, एट सिक्स सेवेन एट ठीक बेटा तो ये प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करिए और फिर मैं डिस्कस करता हूं तो आपको मैंने अराउंड थ्री सेवन अराउंड टेन टेन फोर टेन थर्टीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन दिए हैं तो आपको आपके पास जो टाइम है uh, टू एंड हाफ मिनट पर क्वेश्चन मतलब आपको आधे घंटे में कंप्लीट करना है बीच बीच में मैं पूछता रहूँगा आपको जो भी डाउट्स आते हैं बताते जाएगा हिंट चाहिए होगा तो बताते जाएगा तो ट्राई करिए आपको ये मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट पेज यहाँ से आप लोग ट्राई करिए मैं बीच बीच में पाँच मिनट दस मिनट बाद आपसे रिव्यू लेता रहूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है कोई चीज़ नहीं बन रही है तो मुझे बताना आपको समझ में नहीं आ रही है तो बेटर है आप उसको स्किप कर दीजिए फिर मेरे से जब मैं फिर आप मुझे बताइएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज़ हाँ बेटा किसी क्वेश्चन में डाउट है दिख रहा है समझ में नहीं आया तो पूछ पूछ सकते हो थ्री फोर फाइव फाइव टेन जो मैंने मार्क किए हैं देखो बेटा क्या है कि ये, ये है वर्टेक्स एंड फोकस एट रहा डिस्टेंस टू एंड फोर यूनिट यहां से टू यूनिट फोर यूनिट डिस्टेंस पर कॉमा जीरो पर फोकस फोर कॉमा जीरो मतलब ए की वैल्यू टू हो गई ना ए क्या होता था वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस तो इसकी इक्वेशन क्या होगी वाई माइनस वाई, वाई, वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस एक्स वन दट इज वाई स्क्वायर इक्वल एट इंटू एक्स माइनस टू ठीक है अब आप चेक कर लीजिए ऑप्शन से कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है डज नॉट लाई लिखा है ना तो आपको चेक कर लेना है कि आप कौन से ऑप्शन से कौन सी वैल्यू एक्स की जो इसको एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू इसफाई नहीं कर रही है

कॉमन नॉर्मल होना चाहिए नॉर्मल के अलॉन्ग में मिनिमम डिस्टेंस होती है हमेशा ध्यान रखो तो क्या है P पॉइंट पर जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो जीरो कॉमा माइनस सिक्स से पास होगी तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी वाई इक्वल टू माइनस टी प्लस टू ए प्लस ए टी क्यूब होती है और गिवन क्वेश्चन में ए कितना है टू है ए की वैल्यू है टू और पॉइंट हमें जो पास कराना है वो है किससे जीरो कॉमा माइनस सिक्स से 0, -6 तो आ गया माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस फोर टी प्लस टू टी क्यूब दैट इज टी क्यूब प्लस टू टी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो सिंपल से टी की वैल्यू आ गई माइनस वन तो जो पी पॉइंट होगा वो क्या होगा ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी तो ए है माइनस वन तो यह आ गया और ए कितना है टू तो टू कॉमा माइनस फोर पॉइंट होगा ठीक मतलब है अब पी पॉइंट आ गया तो अब हमें क्वेश्चन क्या लिखाना इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू सी सी मतलब सेंटर 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 ये है एंड हैविंग इट्स एट तो इस पॉइंट से इससे पास होने वाला सर्कल निकालना बेटा तो जब ये आ गया तो पी और सी इतना बड़ा सा कोई सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा पी पर और पी सी होगी रेडियस तो पी सी डिस्टेंस निकाल लोगे तो रेडियस आ जाएगी ठीक है और पी पॉइंट आपको निकाल ही चुके हैं सेंटर तो सर, सर्कल की इक्वेशन लिख लेना आगे बेटा समझ में जिसका क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट था पी पॉइंट एज ए सेंटर और पीसी एज ए रेडियस तो पीसी डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना पीसी डिस्टेंस वो रेडियस हो जाएगी पी पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं टू कम माइनस फोर तो सेंटर मालूम है रेडियस मालूम है तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेना ठीक है जल्दी से ट्राई करिए रिमेनिंग क्वेश्चन

तो ये ऐसा सर्कल है बेसिकली जो ठीक है तो बेसिकली एक ऑरिजिन है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों की ये लिखे हुए हैं पी क्यू बी द कॉमन कॉर्ड तो कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी जो एक जीरो जीरो फोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और है इसका फोकस है तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं टू कॉमा जीरो है वो ये है इसके कोऑर्डिनेट है टू कॉमा जीरो ये पॉइंट है टू कॉमा जीरो अब ध्यान से देखो तो ये है हाइट फोर है बेस टू है तो एरिया कितना होगा वन बाई टू बेस इन टू हाइट दैट इज फोर हो गया बेटा समझ में आ गया जिसको भी डाउट था और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बताइए जो आपने अटेम्प्ट किया हो मैंडेटरी अटेम्प्ट मैंडेटरी है किसी ने अटेम्प्ट किया हो कोई क्वेश्चन और नहीं बना हो या नहीं समझ में आया हो तो बताइए मुझे ठीक है बेटा तो कंटिन्यू करिए अटेंड करते जाइए और कोई प्रॉब्लम में समझ में नहीं आई है या आपको आंसर नहीं, नहीं आ रहा है तो पोस्ट कीजिएगा तो मैं डिस्कस करूँगा कंटिन्यू करिए और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है थर्टीन वाला थर्टीन वाला बन गया इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर थर्टीन आर्या विच विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट? आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं देखो बेटा बिल्कुल ही सिंपल है ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स और ये लाइन जो है वो है जो हमको क्वेश्चन में घे है एक्स प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो कुछ ऐसा कुछ आएगा अब इसमें हमें कौन सी लाइन बनाई है? है तो हमको निकालना है ये जो रिफ्लेक्शन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ए बी है तो हमें ए भी डिस्टेंस निकालनी है समझ में आया ये क्वेश्चन समझ में आया निकालना क्या है पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये सी वर्ट सी ये आ जाएगा इस कर में y equal to minus -5 लाइन दो जगह कट कर रही है a और b पॉइंट पर तो हमें ab डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, b अब ऐसे समझिए बेटा इसका रिफ्लेक्शन यदि इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन का रिफ्लेक्शन इसके आउट लेंगे तो ये वर्ट वर्टिकल लाइन बन जाएगी देखो इसमें y equal to minus -5 पुट करते हैं तो आ जाएगा x 1 आ जाएगा तो ये x 1 वाली लाइन होगी ठीक है इसमें मतलब इस लाइन और y इक्वल टू माइनस फाइव का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो आएगी अब मुझे भी ये बताइए बेटा पी क्यू जो पी क्यू डिस्टेंस होगी और जो ए बी डिस्टेंस होगी क्या ये सेम होगी कि नहीं होगी क्या रिफ्लेक्शन लेने से पी क्यू डिस्टेंस और ए बी डिस्टेंस सेम ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बेटा एक्स इक्वल पुट करेंगे इसमें तो वाई आ जाएगा प्लस माइनस टू दैट इज एक्स क्वाल टू वाई प्लस टू होगा माइनस टू होगा तो बीच की डिस्टेंस पी की होगी फोर समझ में आ गया कि, कितना आसान क्वेश्चन था हाँ बेटा किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए एलिप्स एलिप्स का रिवीजन करते हैं बेटा इसमें होता है बेटा डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे कहते हैं फोकस इसकी डेफिनेशन होती है बेटा पी एक्स कमा वाई इस तरह का पॉइंट है पीएस अपॉन पीएम होता है ई के बराबर जिसे कहते हैं सेंट्रिसिटी और यहाँ पर जो ई e की वैल्यू होती है वो होती है जीरो और वन के बीच में तो स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन बेटा ये अब हमको याद रखनी पड़ती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू वन वे आर ए इज ग्रेटर देन बी तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये बनता है इस तरह से ये इसके वर्टेक्स हैं ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो और इसको को कहते हैं मेजर एक्सेस ठीक है इसी तरह से ये बी वन बी टू है जिसे कहते हैं माइनर एक्सेस ए वन ए टू कहते हैं मेजर एक्सेस जिसे बी वन बी टू कहते हैं माइनर एक्सेस ये है फोकस एस वन एस टू ये सेंटर एल वन एल टू एल थ्री एल फोर तो बेटा इसको देखो या, हमको याद करना है एग्जैक्टली exactly सेम होते हैं एग्जैक्टली exactly सेम होते हैं इसके हॉरिजोंटल इलिप्स के जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है वैसे ही इक्वेशन होती है हॉरिजोनटल हाइपरबोला की तो समझिए सबसे पहले सेंटर तो ऑरिजिन है ई e क्या है ई e होता है अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर या फिर आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस दूसरा बी वन बी टू इसकी लेंथ होती है टू बी तो तीसरा फोकस फोकस का प्लूरल फॉर्म होता, होता है फोकी ये होता है प्लस माइनस एमा जीरो जो एस वन है एस टू है ये फोकस है डायरेक्टरसेस डायरेक्टरसेस की क्वेश्चन होती है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई पर एक होगी ए ई e. एक यहाँ पर होगी माइनस ए बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई नेक्स्ट रेक्टम लेटसरेक्टम रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई एंड पॉइंट जो एल वन एल टू एल थ्री एल फोर है और लेंथ होती है बेटा टू बी है आपको सब कुछ याद रखना है जो मैं बता रहा हूं एंड पॉइंट में कभी कभी टेंजेंट बनानी पड़ती है कभी कभी नॉर्मल लिख देते हैं तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होना चाहिए तभी आप इक्वेशन लिख पाएंगे तीसरा है ऑग्जिलरी नेक्स्ट है ऑगजिलरी सर्कल ऑक्जिलरी सर्कल होता है मेजर एक्सेस को एज ए डायमीटर एक सर्कल बनाते हैं जिसे कहते हैं ऑक्जिलरी सर्कल और इसमें जो पॉइंट नेक्स्ट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसकी इक्वेशन होती है बेटा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा या थीटा इज कॉल्ड इस एंगल या फिर पैरामेट्रिक एंगल एंगल और पैरामेट्रिक एंगल जो भी आप कहना चाहो ठीक है बेटा ये की पॉइंट्स है आपको याद रखना है तो इसको याद कर लीजिए एग्जैक्टली सेम है बेटा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की के तो यदि आपको ये याद हो गए तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला भी याद हो जाएगा तो जल्दी से याद कर लीजिए इसके कोऑर्डिनेट वगैरह कोऑर्डिनेट क्या होते हैं लेंथ क्या होती है वगैरह वगैरह अब बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ साथ अब हम वर्टिकल देखें तो वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन कोई फर्क नहीं है इक्वेशन तो सेम ही है बस ये ध्यान रखो यहां पर बी बड़ा होगा यहाँ पर होगा ए लेस देन बी तो इक, इस तरह का बनेगा कुछ तो इसमें ये ए वन ए टू ये है और बी वन बी टू ये है ये ठीक है।, है ये फोकस यहां पर होंगे S1, S2 ये होगा L1, L2, L3, L4 एल थ्री यहाँ होंगी बाहर तो बेटा सब कुछ याद रखो देखो, देखो कैसे इसमें करना क्या होता है ए की जगह बी बी की जगह ए जहां भी हमने हॉरिजॉन्टल में लिखा है एक्स की जगह वाई वाई की जगह एक्स कर देते हैं अल्फा बीटा यदि कोई पॉइंट है तो उसकी जगह कर देते हैं बीटा अल्फा सबके सब आ जाएंगे सारे कोऑर्डिनेट इक्वेशन सब कुछ आ जाएंगे पहला इसेंट्रिसिटी ये होता है अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हॉरिजॉन्टल में तो आपको क्या करना है ए की जगह बी बी की जगह ए तो ये आ गया या फिर आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं वन माइनस ई मेजर एक्सेस मेजर एक्सेस की लेंथ वहां हॉरिजॉन्टल में होती थी टू ए यहां पर होती है टू बी माइनर एक्सिस की लेंथ यहाँ पर होती है टू ए थर्ड फोकस फोकस के कोऑर्डिनेट वहां होते थे प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो यहां होते पहले तो इंटरचेंज करो जीरो प्लस माइनस ए ई ए की जगह बी बी तो ये हो गया ई डायरेक्टर्स डायरेक्ट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई होती थी हॉरिजॉन्टल में तो वर्टिकल में होगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई पहले एंड पॉइंट एंड पॉइंट होते थे प्लस माइनस ए कॉमा बी स्क् प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए पहले तो इंटरचेंज कर दो तो प्लस माइनस बी स्क्वायर ए बाई ए की जगह लिखो ए स्क्वायर बाई बी प्लस माइनस ए ई की जगह लिख दो बी ई और लेंथ होती है टू ए स्क्वायर बाय बी ए की जगह भी बी की जगह ए करते जाना है ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वही एग्जैक्टली सेम है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा कोई फर्क इसमें कोई फर्क नहीं है ठीक है ये आगे समझ में तो आपको यदि हॉरिजॉन्टल वाला याद रहेगा तो फिर वर्टिकल वाला याद हो जाएगा आपको कि नहीं होगा अब नेक्स्ट देखिए फोकल कॉर्ड तो फोकल कॉर्ड का सिंपल सा है बेटा इसमें क्या होता है कि ये तुमको ए कॉमा जीरो है ये पी पॉइंट है ए कॉस थीटा वन कॉमा ए साइन थीटा वन और क्यू पॉइंट है ए कॉस थीटा टू कॉमा बी साइन थीटा टू तो इसमें क्या करो बेटा स्लोप सेम कर दो तो पी क्यू लाइन की स्लोप क्या होगी बी साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू डिड बाई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा वन माइनस जीरो अपॉन ए कॉस थीटा वन माइनस ए तो बेटा यहाँ से इसमें नोमेटर में लगा दो देखो बी और बी कट हो गया इसी तरह से डिनोविटर में ए आएगा वो कट हो जाएगा तो नोमेटर में अप्लाई कर दो क्या साइन सी माइनस साइन डी तो टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू डिनोवेटर में टू साइन सी माइनस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है तो मैं यहाँ पे माइनस निकाल के रख देता हूँ ये, sin upon, ये तो कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया टू डिड बाई माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वन बाई टू तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आ रहा है

तो ई कितना आ रहा है ई आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा वन प्लस ठीक है इसमें लगा देते कंपोनेंडो डिविडेंडो तो एक रिजल्ट आ जाएगा ये कैलकुलेशन याद नहीं करना तो वह रिजल्ट याद कर लेना तो ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन तो नोमेटर बन जाएगा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू थीटा वन बाई टू इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा इस हाँ आप इसको याद ही कर सकते हैं इसको तो याद ही कर लो रब है इसको ही आप यदि इस फॉर्म में याद करना चाहते हो तो इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो तो ये हो गया टेन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेन थीटा वन बाई टू यदि इस फॉर्म में याद नहीं करना है तो फिर आप ये एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसमें एक मिनट इसमें गलती है राइट हैंड साइड में मिस्टेक है एक मिस्टेक क्या है ये लिखा है साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन माइनस ई है और मैंने गलत लिखा है स्लोप को मैंने इक्वेट किया है ना स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ पी एस को मैंने बराबर किया है तो ये आएगा अब इसमें क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले यहाँ क्या रहा है साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन माइनस ई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू कॉस थीटा वन माइनस ई कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू साइन थीटा वन ई कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है ये प्लस हो गया था तो ये आ, इसको मैं इसको इस एक्सप्रेशन को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का दैट इज कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस थीटा वन दैट इज कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू बन जाएगा ये आ रहा है इसको ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू कॉस थीटा टू बाय टू माइनस साइन थीटा वन बाय टू साइन थीटा टू बाय टू इज इक्वल टू कॉस थीटा टू बाय टू कॉस थीटा वन बाय टू प्लस साइन थीटा टू बाय टू साइन थीटा वन बाय टू ये तो कॉस वाले टर्म कंबाइन करते हैं वाले टर्म कंबाइन करते हैं तो आ जाएगा इसमें डायरेक्टली रिजल्ट याद रखिए ये वाला टेन थीटा वन बाय टू टेन थीटा टू बाई टू होता है e प्लस वन अपॉन ई माइनस वन यदि वो राइट फोकस से पास हो राइट वाले फोकस से पास होगा तो ये रिजल्ट याद रखना है कि एंड यदि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के जो पैरामेट्रिक एंगल है वो थीटा वन थीटा टू है तो ये होता है रिजल्ट डायरेक्टली यही पूछा जाता है एग्जाम में टेन थीटा वन बाई टू इंटू टेन थीटा टू बाई टू इक्वल टू होता है ई प्लस वन अपॉन ठीक है यदि वो लेफ्ट वाले फोकस से पास हो तो आप ई की जगह माइनस ई कर देना तो आ जाएगा रिजल्ट लेफ्ट वाले फोकस से पास टेन थीटा थ्री बाई टू पैरामीटर थीटा थ्री थीटा फोर है तो हो जाएगा माइनस ई प्लस वन अपॉन माइनस वन दैट इज ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन डायरेक्टली ये रिजल्ट यदि आएगा फोकल कॉर्ड से रिलेटेड तो ये डायरेक्टली रिजल्ट ही पूछते हैं एग्जाम में इसको डायरेक्टली याद रखना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग है तो नेक्स्ट है टेंजेंट तो सबसे पहले कंडीशन कोई भी लाइन जैसे ये ये है, इसको कोई भी लाइन वाईक्वल टू एम एक्स प्लस सी कब ये टच करती है एलिप्स कोई भी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी है

ठीक है है अब तो तो ये होती यदि मालूम तो लगा देना यदि पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म से मैं यदि देखें तो a cos कोमा ए बी साइन थीटा पुट कर देते हैं तो आएगा एक्स अपॉन ए

99% नाइन परसेंट प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई भी लाइन टेंजेंट कब होगी व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड अब ये हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो सबके लिए है ध्यान रखो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है एट एक्स वन कॉमा वाई वन जैसे मैंने आपको बताया पैराबोला में यहाँ पर भी हमको यूज ऑफ कैलकुलस करना है यूज कैलकुलस कुछ नहीं रटना है इसमें आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन है हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इसमें एक्स वन वाई वन पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे

फिर उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो, ठीक है? अब इसमें x1, y1 की जगह पुट कर देते हैं a cos थीटा comma b sin थीटा और सिंप्लिफाई करेंगे तो ये आता है a x sec theta minus b y cosec थीटा is equal to a square minus b square तो ये आपको याद रखना पैरामीट्रिक फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है ए, नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है तो यदि कोई इक्वेशन लिखिए दिस इक्वेशन इज द नॉर्मल टू द एलिप्स तो आपको क्या करना इस जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो नॉर्मल की इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर कर देना और थीटा को एलिमिनेट कर देना तो आपका जो अननोन होगा वो आ जाएगा अब कुछ रिजल्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी देख लेते हैं हो गया रिजल्ट क्या है पहला इलिप्स ये है इलिप्स के फोकस किसी भी टेंजन में कोई भी टेंजन कोई भी टेंजन इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फोकस से S1 और S2 तो ये जो परपेंडिकुलर होते हैं ये सबके सब, के सब कहां पे लाई करते हैं सबके सब ऑगजिलरी सर्कल में लाई करते हैं मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फाइंड दी लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट ऑन एनी वेरिएबल टेंजेंट ऑफ दी इलिप्स तो वो हमेशा क्या होता है ऑक्जिलरी सर्कल और यदि इनकी लेंथ है पी वन और पी टू है तो इनका प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर होता है बी के बराबर बी मतलब हॉरिजॉन्टल केस में बी वर्टिकल केस में ए हो जाएगा ठीक है ये एक ये दूसरा इसका डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टर सर्कल मतलब जहां से टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है डायरेक्टर सर्कल क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से इस तरह से हमने टेंजेंट बना रहे हैं तो ये जो पॉइंट हो ये पी पॉइंट ये पॉइंट एक सर्कल में लाई करता है एक बड़ा सा सर्कल होता है जहां से इलिप्स में टेंजेंट हम कोई भी बनाएंगे तो वो हमेशा टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो डायरेक्टर सर्कल एक बेसिकली इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट ड्रॉन टू द गिवन इलिप्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर तीसरा थर्ड रिजल्ट ये है कि इसमें हम कोई भी तीन पॉइंट ले लें ए बी सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं लेट से तुमसे कहा जाए ट्रायंगल ए बी सी का एरिया मैक्सिमम कब होगा मतलब एक ट्रायंगल इज इनस्क्राइब्ड इन एलिप्स फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा तो मैक्सिमम एरिया इसका होगा थ्री रूट थ्री बाई फोर ए बी पहला रिजल्ट दूसरा मैक्सिमम के करस्पोंडिंग ए बी सी के पैरामीट्रिक एंगल क्या होंगे तो जो पैरामीट्रिक एंगल मतलब इसका होगा अल्फा यदि है तो इसका होगा अल्फा प्लस 120 डिग्री और इसका होगा अल्फा प्लस 240 डिग्री तो ये दो रिजल्ट है यदि पहली बात तो पूछ सकते हैं कि एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल इज इनस्क्राइब्ड इंस, इंस, इन इन एन एलिप्स

रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये एलिप्टिकल मिरर है यदि कोई भी रे एक फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास थ्रू अदर फोकस एंड यदि यहां से टकराएगी तो फिर इससे पास हो जाएगी मतलब दिस विल कंटिन्यू ठीक है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहेंगे इस तरह से कंटिन्यू रहेगी तो यदि कोई इंसिडेंट रे पास थ्रू वन फोकस रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू अदर फोकस ठीक है दीज आर दिस सम इम्पॉर्टेंट की रिजल्ट विच यू शुड रिमेम्बर तो बेटा मैं इस शुरुआत से लिखाता हूँ दिखाता जा रहा हूँ आपको और एक और आप चाहो तो याद रख सकते हो रिजल्ट ये रिजल्ट ये है कि एक पैलोग्राम है, इस तरह से सरको मिसक्राइब्ड इन अबाउट एलिप्स और इसकी स्लोप है एम वन इसकी स्लोप है एम टू यदि एम वन एम टू हमें क्वेश्चन में यदि एम वन एम टू हमको गिवेन है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यदि हमको ये गिवेन है एम वन एम टूल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा इसका एरिया तो एरिया ऑफ पैलोग्राम होगा फोर ए बी ये आपका याद रखना है ठीक है तो मैं बेटा स्टार्टिंग से आपको दिखाते जा रहा हूँ आप इसको याद करते जाइए फिर मैं प्रॉब्लम दूंगा प्रीवियसर से ध्यान रखिए आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है की पॉइंट्स याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसका जिसका प्रूविंग की कोई जरूरत नहीं है जहाँ जरूरत नहीं है वहां से याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है तो बच्चों आप हाइपर इलिप्स का ट्राई करो प्रॉब्लम लो बेटा मैंने मार्क कर दिए ये वाले प्रॉब्लम ट्राई करो आप फिर मैं डिस्कस करूंगा हाँ बेटा कोई डाउट है मूर्खी कभी कौन इंजेक्शन खिलाए नहीं मूर्ख कौन लात हमें यहाँ तेरे को वाह मेरी तिल वाह वाह चोरी कर yeah, <laughs> Yeah.